इस देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर, ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? और किसने ये विरोध किया कि बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? उनके भी मेरे प्रिय कवि हैं तुलसीदास, लेकिन जहां गड़बड़ है वहां प्रिय नहीं है। मैं कहूंगा कि आपने वर्ण व्यवस्था स्थापित की, आपने इन जातियों के खिलाफ बोला है और मैं इस बात पर कायम हूं। नेताजी उस समय के नेता, जब राम मंदिर आंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी, इसलिए हम उनके विरासत को याद करते हैं। और लालू जी, उन्होंने उस आतताई दंगाई रथ को रोका था। जाति जनगणना के विरोध में कौन आया? झारखंड में जब आरक्षण बढ़ाकर 70% किया गया है, राज्यपाल किसका है जो सिग्नेचर नहीं कर रहा है? छत्तीसगढ़ में जब आरक्षण SC ST OBC तीनों का बढ़ाया गया, तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? यहाँ आएंगे तो कहेंगे मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं। ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा, जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा। तो भाइयों एक बात सुनो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनोहर, तो समझ में आएगा लोगों को बदनाम किया, किन जाति के लोगों का थाने में वर्चस्व है, सब लूट लिया। ओबीसी का सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ने लूट लिया, इन्होंने इनका लूट लिया। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं जाति जनगणना करा दो, पता चल जाएगा कितना लूट लिया। इसमें तुम क्यों विरोध में आ जाते हो? जाति जनगणना का विरोध केवल ब्राह्मण क्यों करता है भाई? अगर यादवों ने, कुर्मी कोयरी ने ज्यादा, क्योंकि पता है ज्यादा लूटा नहीं है। कितने वाइस चांसलर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर इंजीनियर अहिर कुर्मी कोयरी के बन गए भाई। आपको जो लड़ता है ना, सबसे पहले उसे बदनाम किया जाता है, इसलिए ताकि बाकी जातियों को कहा जाए उधर कुछ नहीं मिला इधर आओ। तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को कहा गया कि बहुत कुछ मिलेगा इधर आओ, राम मंदिर की आड़ में नींव की ईंट वही बने हैं, सब कुछ लूटा आपका भी जाएगा। जाते जाते गुजारिश, शरद यादव को याद करते हुए मैं कह रहा हूं, इसी सम्मेलन में मैंने पहली बार शरद यादव को सुना, नेताजी को सुना। हम कमजोर नहीं है, हाँ वो ताकतवर जरूर हो गए हैं।